पलटा मारो पलटा मारो पलटा पलटा भाई पलटा मारो। ये तार भी तार भी तार भी है तार भी है तार भी है। मैं साथ चल रहा था इनके, पूरा रिकॉर्ड हुआ होगा इधर। बंदा आया बीच में, इन्होंने उसको बचाने के लिए इधर काटी, गाड़ी स्पीड में थी तो स्पीड में यहाँ से आई, यहाँ से उड़ के सीधा इधर आई। भैया की गलती नहीं है कोई यार, बंदा आया बीच में। एम्बुलेंस भी आ गई एम्बुलेंस उधर है। एक ही बंदा था बच गया हमारा, वो इधर ही आया। एम्बुलेंस भी आ गई भाई साहब, बहुत ही वो बंदा इधर ही। भैया साइड पे हो जाओ, तारे लगी हुई है ऐसे, करंट करंट लग जाएगी किसी को, करंट लग जाएगी, तारे लगी हुई है सीधा। भैया तारे लगी हुई ऊपर साइड पे आ जाओ भाई। भाई गाड़ी का एकदम नुकसान हो चुका है, ये देख लो। नहीं नहीं मैं साथ था, बंदा आया बीच में सीधा, भैया की गलती से बचा दिया बंदे को। अगर भैया बस सीधा जाते उसको बच जाती गाड़ी। शुक्र है ऊपर वाले का भैया, चलो बचा आ जा, एम्बुलेंस आ गई। अगर होगा लगी ही नहीं है यार, चलो आ जाओ भैया, इधर तारे लगी हुई है साइड हो जाओ। थैंक्स ऊपर वाले का कि भाई बंदा ठीक है और बहुत ही ब्रेव बंदा है, टू बी ऑनेस्ट। अभी आप देख रहे होंगे कि हेलमेट माउंट हो चुका है, उस पर गोप्रो भी माउंट हो चुका है। अभी हम जाने वाले हैं एक लंबी राइड पे जम्मू से उधमपुर तक। आज दिवाली भी है, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी दिवाली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप देख रहे हैं काजल व्लॉग्स। भाई आज मेरे साथ जाने वाला है साजिद V3 किंग और अपनी बसंती भी साथ में होगी, तो लेट्स सी क्या होता है, मिलते हैं आगे। हम निकल चुके हैं घर से और सच बताऊं तो हम इस बाइक को बहुत मिस करेंगे यार, साजिद की R15 को, क्योंकि ये बाइक जाने वाली है घर 2-3 हफ्ते के लिए, तो उसी को हम बाइक को भी ड्रॉप करने जाते हैं। और मैंने सोचा एक व्लॉग कर लेंगे, एक अच्छा सा प्यारा सा, एक लंबी राइड होने वाली है तो व्लॉग भी बेस्ट रहेगा। साजिद भाई हो चुके हैं गर्म, दिवाली को एंजॉय कर रहा हूँ, बट हमें जाना पड़ रहा है, साजिद भाई की बाइक को ड्रॉप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी हम यहाँ से जाएंगे विदाउट ब्रेक मारे हुए, मतलब हम कहीं भी रुकने नहीं वाले उधमपुर तक। और यार सच बताऊँ तो मेरी जो पिछली ब्रेक है ना भाई, कतई ही काम नहीं कर रही, मतलब ब्रेक मारो तो खाली अगली पे चल रही है। देखो देखो देखो, गलती पागल है क्या भाई, ऐसे गाड़ी वाले होते ना जो बाइकर्स को ठोक के निकल जाते हैं, बाद में बोलते हैं ये तेज चल रहा था, अपनी गलती नहीं देखते, अपनी लेन क्रॉस करके अगर इस साइड आ रहा है सामने देखना यार बाइक वाले हैं, मतलब इन गाड़ी वालों को लगता है ना फोर व्हीलर्स को कि ये बाइक वाले हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं, उसी चक्कर में बाइक वाला हमेशा ठोक जाता है। और मार्केट देख लो दिवाली भी क्या लगी हुई है, पटाखे ही पटाखे हर जगह। दिवाली तो शाम को बनेगी अच्छे से, मतलब पटाखे वगैरह सारा कुछ। ये रही हमारी मार्केट नगरोटा की, आज दिवाली है, चहल पहल पूरे मार्केट में है यहाँ पे। सनिक हम बाइकर हैं तो बाइकर को तो कोई टूल नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हम जैसे आए हम वैसे ही निकले। ये देख लो भाई, हमें कोई नहीं रोक पाएगा, हम दोनों बाइकर हैं, कोई टूल नहीं कोई कुछ नहीं, बाइकर को ये मजा कोई टूल नहीं लगता। जी जी इसको आलो आ जाओ भाई, पंजाबी हवेली कंप्लीट हो चुकी हुई है, पहले तो इसका काम चल रहा था भाई। यहाँ पे नया मैड ग्लाइड यहाँ पे खुला हुआ है, मैड ग्लाइड 2.0, ठीक है, मतलब वो वाला बंद हो चुका है और नया मैड ग्लाइड यहाँ पे खुला है,
बिल्कुल जजर कोटली के थोड़ा सा पीछे, जिसको पता नहीं है तो बता दिया भाई ने, आओ इंजॉय करो और घर जाओ। बस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जजर कोटली, ठीक है सामने नाम लिखा हुआ है। हाँ कुछ ओ अंकल, बीच रोड में क्या कर रहे हो यार, गाड़ी मार देगी आपको। का व्यू आप देख रहे हो, एकदम बढ़िया सा है, पानी साथ में ही पहाड़ है ऊपर तक छोटा छोटा सा, और ऊपर सिटी है ना, फुल बसी हुई है पैक होके। हम यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, अपनी बाइक्स भी यहाँ पे है, थोड़ी गर्म होगी। वो है कटरा बिल्कुल सामने, वो देख रहे होंगे आप, यहाँ से दिख ही नहीं रहा होगा, अगर बड़ा कैमरा होता ना जूम करते तो दिख जाता, गोप्रो है बेचारा क्या करेगा। क्या वो बोल रहा, लड़के ना लड़कियों का नाम रख के फॉलो करते ना, जब मैं उनकी प्रोफाइल खोलता हूँ ना आगे लड़के दिखते हैं, वो भी कहाँ के, वो यूपी बिहार के। चलो भाई बोल रहा है कि फेक आईडी से, अभी वो एंजल प्रिया वाला सीन होता है ना, वही वही सुन रहे हो यार, अगर यहाँ से गिर गए चले। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि हमें अभी पहुँचना भी है कहीं और वापस भी आना। भाई जगह ना कैंपिंग के लिए बहुत बेस्ट है, अगर किसी को कैंपिंग करनी है तो वो यहाँ आके कर सकता है, नीचे पानी बिल्कुल साथ में है। अंकल जी मांडे कहाँ तक, मांडे पता नहीं अंकल, बट हम आपको छोड़ देंगे, चल चल आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ ट्रिपलिंग हो जाएगी, इतना कर सकते हैं अंकल। कोई ना बैठो अंकल, आगे हो जाओ आप थोड़ा, चलो। तो भाई साहब हमें मिल चुके हैं यहाँ पे अंकल, जिन्हें आगे तक लिफ्ट चाहिए थी तो दे दी। अंकल आठ संतरा में कितने अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं भाई, देख लो कोई ना अंकल, ओके थैंक यू। नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप बड़े हो अंकल, हमारा फर्ज है, चले। ओ भाई 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 भाई, मुझसे अंकल इसके पीछे बैठे थे और बिल्कुल स्लो चल रहा था, ये अच्छी बात है। ओ से नहीं, फोर व्हीलर भी ड्राइव सेफ किया करो, मतलब इतनी स्पीड रखनी चाहिए जितनी आप कंट्रोल कर सको लिमिट में। और मैं यही पहले बात बोल रहा था कि हाईवे पे कभी भी कुछ चीज़ सामने आ जाती है, अगर स्पीड में चल रहे होंगे ना गाड़ी अनकंट्रोल हो जाएगी तो सीन हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड बेटर। यहाँ पे जो सीन हुआ इतना गंदा सीन हमारी आंखों के सामने, मतलब मैं आगे दौड़ रहा था, उस बंदे ने हल्का सा पहले रेस लगाने की कोशिश की, फिर नीचे जब उसके सामने एक बंदा आया, गलती उसकी नहीं थी, उसके सामने बंदा आया तो उसको बचाने के चक्करों में गाड़ी काटी उसने, और इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ, मतलब अभी तक डर लग रहा है। तो अभी हम यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए, फिर यहाँ से निकलने वाले हैं घर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखें।